हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 और ये आखिरी यूनिट होने वाली है ना, इसका नाम है राइटिंग स्केल पार्ट 2। पहले पार्ट में आपने वो सब चीजें देख ली थी कि लेटर रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है ना, और बाकी चीजें आपने देख ली थी, ऑफिस ऑर्डर वगैरह, मेमोरेंडम है ना, और मिनट वगैरह कैसे बनाया जाता है। अब हम इसमें जानने वाले हैं कि जो लेटर है, सीवी है, वो कैसे बनाया जाता है ना, एडवर्टाइजमेंट हो गया, और जो जितनी भी सोशल मीडिया की जो ऐप होती है वहाँ पे कैसे लिखा जाता है ना, तो वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन इन सोशल स्पेस। तो देखिए, डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया मतलब जो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया है ना, लिंक्डइन हो गया, ये सारी क्या है, सोशल मीडिया एप्स है। तो देखिए, जो कंपनी होती है वो इन सब एप्स का इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी रीच बढ़ा सके है ना, और कस्टमर में अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको पॉपुलर कर सके। तो देखिए, चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन यूजिंग सोशल मीडिया इन प्रोफेशनल स्पेस, यानी अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंस है क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो देखिए, कोई भी कंपनी है उसके लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी काफी ज्यादा जरूरी है। उसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, और लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं लोगों को, है ना, अपनी तरफ खींच सकते हैं, और कंपनी की क्या क्या रूल और रेगुलेशन है ना, कंपनी की नेटवर्क कितनी है, मतलब कंपनी के बारे में लोगों को बता सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और तो और, सोशल मीडिया के माध्यम से जो कंपनी है वो लोगों का ट्रस्ट जीत सकती है। तो सोशल मीडिया क्या करता है, एंगेजिंग द ऑडियंस, जो ऑडियंस होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको मतलब कंपनी की तरफ खींचती है। कंपनी क्या करवा सकती है, अपने मतलब बारे में बता सकती है, अपनी एड्स करवा सकती है। आपने जैसे देखा होगा, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसमें कितनी सारी कंपनीज की एड्स आती रहती है, और ये इसलिए आती है क्योंकि कंपनी क्या करती है, जो ऐप होती है इनको पैसे वगैरह देती है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या होता है कि जो कस्टमर्स है वो आसानी से जो कंपनीज है उनको मिल जाते हैं कस्टमर्स। और देखिए, जो कंपनीज एड्स करवाती हैं, मान लीजिए टीवी पर या बैनर वगैरह लगवाती हैं, तो काफी ज्यादा महंगी होती है, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया पे अपनी मतलब एड्स चलवाती है तो काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है उसके मुकाबले, टीवी पे मुकाबले। तो सोशल मीडिया ऐप एक ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बिजनेस है उसको, अपनी जो ऑडियंस है उसको ग्रैब करने में आसानी होती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि जो बिजनेसेस होते हैं वो किन किन एप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला है ट्विटर, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस के द्वारा वो ट्विटर ही होता है, और अब तो उसका नाम भी बदल दिया है ना। किसने बदल दिया, इलोन मस्क ने, अब एक्स नाम रख दिया है। तो देखिए, जो ट्विटर है वो एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है, वो भी ऑनलाइन, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। तो देखिए, जो ट्विटर है ना वो एक मैसेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब इसमें आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं ना कंपनी के बारे में, क्योंकि ट्विटर पे कैसे आप आपको फोटो लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, और कुछ भी आप टाइप करके लिख सकते हैं ना, मेनली उसमें लिखने का काम ज्यादा होता है, यहाँ पे आप अपनी राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आप कम से कम 140 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, मतलब आप जो लिखेंगे ना एक एक वर्ड काउंट होता रहता है, तो 140 करेक्टर आप लिख सकते हैं एक बार में, एक पोस्ट में। और एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि मतलब ये एक्यूरेट है या नहीं। इस बार क्या हो सकता है कि बढ़ा दिया हो, 200 कर दिया हो, 300 कर दिया हो ना, तो अभी मैं बस जो बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, अभी मैंने चलाकर नहीं देखा ट्विटर उस पर मतलब कितने करेक्टर आप लिख सकते हैं ना, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो देखिए, जो ट्विटर है उस पर डेली एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, 100 मिलियन है ना। 100 मिलियन कितना होता है, करीब करीब 10 करोड़ लोग। तो 10 करोड़ लोग एक्टिव यूजर्स हैं ट्विटर के, है ना। तो कंपनी क्या कर सकती है, इस मौके का फायदा उठा सकती है, वो आसानी से लोगों के तक अपनी बातें रख सकती है ना, वो ट्विटर पे माध्यम से अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार कर सकती है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा या फिर एडवर्टाइजमेंट करवा सकती है। और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो वो ट्विटर ट्वीट कर सकती है कि हमने आज ये करा है ना, हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, हमने नई ब्रांच खरीद ली, हमने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए है ना। तो ये सारी चीजें वो ट्विटर पे ट्वीट करके लोगों को बता सकती है आराम से। तो देखिए, ट्विटर पे
डेली का 500 मिलियन ट्वीट्स होते हैं, मतलब हर रोज कम से कम 50 करोड़ ट्वीट्स डेली ट्विटर पे हो रहे हैं। यानी जैसे कि जो ट्विटर है वो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, तो ऐसे में जो बिजनेसेस हैं उनको ट्विटर का इस्तेमाल करना चाहिए अपने बिजनेस को फैलाने में। तो देखिए जो ट्विटर है ना वो बाकी ऐप से अलग है, चाहे वो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया, है ना। अगर यूट्यूब पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना। फेसबुक पे भी आपको लिखना पड़ेगा, वीडियो डालनी पड़ेगी। गूगल पे भी मतलब लोग इतने एक्टिव नहीं है जितना कि ट्विटर पे, है ना। जो गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है वो लोग कम चलाते हैं, लेकिन जो ट्विटर है वो ज्यादा चलाते हैं। तो जो कंपनी को कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, अगर वो ट्विटर का इस्तेमाल करती है तो डायरेक्ट वो अपने ऑडियंस के साथ उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती है। अब अगला है फेसबुक। इसको किसने ढूंढा था? हमारे जुक्कू भैया ने 2004 में। तो देखिए जो फेसबुक है वो क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लोबल सोशल मीडिया साइट है, मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी जो वो सोशल मीडिया ऐप है ना वो फेसबुक ही है। तो देखिए जो फेसबुक चलाने वाले लोग हैं वो 2 बिलियन से भी ज्यादा हैं। तो देखिए जो फेसबुक है ना इसका एक्सटेंसिव यूजर बेस है, यानी ये बहुत ही बड़ा इसका यूजर बेस है, इसमें बिलियंस में लोग हैं, है ना। तो ऐसे में जो कंपनीज है वो इस चीज का फायदा उठा सकती है अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करवा करके, है ना, ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अच्छे से कर सकती है। और देखिए फेसबुक में आपको मल्टीपल्स मोड्स मिल जाते हैं कम्युनिकेशन करने के। आप इसमें वीडियो डाल सकते हैं, कोई फोटो डाल सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं ना, जो आप कैप्शन लिखते हैं वो लिख सकते हैं, किसी को टैग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं, और स्टोरी वगैरह भी लगा सकते हैं, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन मेथड है। और अगला होता है लिंक्डइन। तो देखिए जो लिंक्डइन है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। तो देखिए प्रोफेशनल नेटवर्क है, यानी यहाँ पे प्रोफेशनल लोग ज्यादा होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पे बिजनेसेस हो गए, है ना, जिनको मतलब एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। और यहाँ पे कई सारे लोग अपना जो प्रोफेशनल जो रिज्यूम वगैरह वो अपलोड करते हैं, अपने बारे में बताते कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, ताकि जो कंपनीज है उनको जॉब पर हायर कर सके। मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो अपना रिज्यूम बनाइए और लिंक्डइन में रजिस्टर हो जाइए, फिर जो कंपनीज होती हैं वो आपका रिज्यूम पढ़ेंगी, आपका बायोडाटा देखेंगी, फिर वो सिलेक्ट कर लेती हैं आपको, मतलब मैसेज वगैरह भेजेंगी कि हम आपको सिलेक्ट करते हैं, है ना, आपका रिज्यूम वगैरह देख के, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह भी लिया जा सकता है। तो देखिए जो कंपनीज होती हैं वो लिंक्डइन का इस्तेमाल इसलिए करती हैं ताकि उनको एक कैपेबल एम्प्लॉय मिल सके, है ना, एक ऐसा एम्प्लॉय मिल सके जिसके अंदर काफी ज्यादा स्किल्स है, ना, और उसका मतलब जो कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। तो देखिए जो लिंक्डइन है ना जितना जरूरी वो कंपनीज के लिए उतना ही जरूरी वो एक एम्प्लॉयज के लिए भी है, ताकि एम्प्लॉयज को अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिल सके। और आजकल तो लिंक्डइन का इस्तेमाल ना रिश्ते ढूंढने के लिए भी किया जाता है। लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन में रजिस्टर हो जाते हैं और फिर रिश्ता ढूंढते हैं, है ना, फिर उसका बायोडाटा तो मिल ही जाता है लड़का क्या करता है ना, फिर वहीं पे रिश्ता तय कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे मैसेज भेजने का भी ऑप्शन होता ही है। वैसे लिंक्डइन तो प्रोफेशनल काम के लिए, लेकिन इसको शादी वगैरह के लिए भी ज्यादा यूज किया जाने लगा है। अब देखिए अब हम देखेंगे कि जो लिंक्डइन है वो आपकी कैसी हेल्प करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो देखिए जब आप लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस डालते हैं, तो जो लिंक्डइन होता है आपके लिए ओपनिंग अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो एक अपॉर्चुनिटी की पूरी दुनिया आपके लिए खोल देता है। क्योंकि अब आप ना मतलब आप प्राइवेसी आपकी हट गई है, अब आप पूरी समाज में आपको पता है, हर कोई जान सकता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हो, आपकी स्किल्स क्या है, ना, हर कोई जानता है, तो कोई भी आपको जॉब ऑफर कर सकता है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का जो पूरा वर्ल्ड है वो लिंक्डइन खोल देता है आपके लिए। तो देखिए जो लिंक्डइन होता है एक टाइप का एक क्या होता है, सिंपल या डिजिटल रिज्यूम। जैसे कि आप रिज्यूम कागज पे बनाते हैं, है ना, लेटर लिखते हैं, फिर रिज्यूम चिपकाते हैं और फिर कंपनी में भेजते हैं, लेकिन लिंक्डइन में आपका एक ऑलरेडी जो डिजिटल रिज्यूम है वो ऑलरेडी तैयार होता है। अगर कंपनी को आपको हायर करना होता है तो पहले आपका रिज्यूम देख लेगी, है ना, आपको बार बार कहीं पे रिज्यूम भेजने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार रिज्यूम बनाया, कंपनी आती जाएंगी, आपका रिज्यूम पढ़ती जाएंगी, जिसको सेलेक्ट करना है वो आपको मैसेज भेजेंगी, जिसको नहीं करना है वो आपको हटा देगी। तो देखिए बोल रखा है कि जो लिंक्डइन है एंगेज डज नॉट एंड विथ वर्चुअल एनकाउंटर, यानी ऐसा नहीं है कि जो लिंक्डइन है उस पर जो भी जो कंपनी आपको ढूंढ रही है जॉब देने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो डिजिटली देख ली, वो बदले में आपको मैसेज करके इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती है ना। वर्चुअल एनकाउंटर के बजाय वो आपके फेस टू फेस एनकाउंटर भी कर सकती है, मतलब एनकाउंटर का मतलब आपसे मीटिंग कर सकती है फेस टू फेस। तो देखिए जो लिंक्डइन है उसमें कई सारे ना आर्टिकल्स, इमेजेस, वीडियोस और पोस्टिंग आती रहती है, उसकी वजह से आप अपनी नॉलेज और अपने जो आपके थॉट्स है ना लीडरशिप्स के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें कई सारी ऐसी पोस्ट मतलब प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई आर्टिकल्स वगैरह, इमेजेस वगैरह आती रहती है। और देखिए जो लिंक्डइन है ना वो आपको एडवाइस वगैरह भी देता है, वो कंपनीज के बारे में बताता है कि जो कंपनीज है वो एक कैसा बंदा ढूंढ रही है ना, एम्प्लॉय कैसा ढूंढ रही है ना, उनको कौन सी स्किल्स चाहिए, है ना,
मतलब क्या वो सैलरी दे सकते हैं, जो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स किसी को भी देते हैं, तो जो लिंक्डइन है वो आपके लिए एक पूरी लाइब्रेरी खोल देता है ना। आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी में काम करना है ना, और उनकी मदद से आप जो देखते हैं ना आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, इमेजेस देखते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, तो उनकी मदद से आप अपनी स्किल्स को भी सुधार सकते हैं। और जो कंपनीज है ना, वो क्या स्किल्स चाहती हैं उनके हिसाब से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो लिंक्डइन है इज अ क्रूशियल टूल फॉर रिक्रूटर, यानी जो रिक्रूटर होते हैं, जो आपको मतलब हायर करता है जॉब के लिए, उसके लिए क्रूशियल टूल है। यानी जो भी कंपनी का जो मैनेजर है उसके लिए जो लिंक्डइन है वो काफी यूजफुल ऐप है ना, उसकी मदद से उसको आसानी से एम्प्लॉय मिल जाता है। तो देखिए, हर बिजनेस चाहता है कि जो उसका एम्प्लॉय है वो बेस्ट हो, है ना, बिल्कुल मतलब टॉप लेवल का हो, तो लिंक्डइन की मदद से उसको आराम से जो टॉप लेवल का जो टैलेंट है वो मिल जाता है। अब अगला है बुक रिव्यू राइटिंग। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिटरेरी वर्ल्ड में यानी साहित्य के संसार में जो बुक है उनका काफी ज्यादा इवेल्युएशन हुआ है, और उन्होंने काफी ज्यादा यूनिक रोल प्ले करा है। तो जो किताबें होती है यानी जो बुक पब्लिश की जाती है पब्लिशर द्वारा, उन्होंने लिटरेरी वर्क और पोटेंशियल कंज्यूमर के बीच का जो गैप है उसको खत्म करा है। पोटेंशियल कंज्यूमर कौन होता है? जो किताबें पढ़ता है ना, कई सारी मार्केट में किताबें छपती हैं और फिर जो पोटेंशियल कंज्यूमर होता है उनको खरीदता है और उनको पढ़ता है। तो देखिए, एज अ रिव्यूअर मतलब जो किताबें पढ़ के अपना रिव्यू देता है, तो एज अ रिव्यूअर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक एक्यूरेट और एनालिटिकल असेसमेंट बुक का दें। यानी बुक आपको पढ़ने के बाद कैसी लगी है ना, उसका एक एक्यूरेट आपको रिव्यू लिखना होता है ना। अब आप उसमें अपनी राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी किताब जो पढ़ते हैं आप उसका जो रिव्यू देते हैं वो रिटर्न फॉर्म में आप देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं और फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं और वहां पे फिर उसका रिव्यू लिखते हैं ना कि ये इसको मैंने ऐप को यूज करा है, मुझे पसंद आई या नहीं आई, है ना, इसमें क्या कमी है क्या बुराई है ना, वो सब आप रिव्यू लिखते हैं। ऐसी सिमिलरली जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं उसका भी आप रिव्यू लिखते हैं ना, उसमें भी आपकी राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही सेम बुक रिव्यू राइटिंग भी होती है। यहाँ पे बुक रिव्यू राइटिंग है और वहाँ पे ऐप रिव्यू राइटिंग होता है गूगल प्ले स्टोर पे। और अगला है ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग भी आपको पता ही, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं या कई ऐसी सारी एप्स होती हैं वहाँ पे आपको ब्लॉग लिखने को मिलता है ना, और वहाँ पे आप फिर अर्न भी कर सकते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं वो भी ब्लॉग राइटिंग करती हैं ना, अपने मतलब प्रचार प्रसार करती हैं ब्लॉग राइटिंग की मदद से। तो ब्लॉग राइटिंग में क्या होता है कि एक ब्लॉगर होता है, ब्लॉगर कौन होता है, वो यूट्यूब वाला नहीं जो अपनी ब्लॉगिंग करता है, वो अलग ब्लॉगर होता है जो मतलब आर्टिकल लिखता है ना, ब्लॉग राइटिंग करता है ना, कोई भी मतलब टॉपिक है उसके ऊपर ब्लॉग लिखता है। ब्लॉग एक टाइप का पैराग्राफ होता है। तो देखिए, जो ब्लॉग होता है वो एक टाइप का पावरफुल प्लेटफॉर्म होता है किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप और कॉरपोरेशन के लिए, जिसकी मदद से वो अपना आइडियाज अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी कंपनी ब्लॉगिंग करती है इसका मतलब क्या है, उसकी एक स्ट्रांग प्रेजेंस है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, जो भी राइटर है ना वो एक अच्छी ब्लॉगिंग करके अच्छे पैसे कमा सकता है। अगर आप भी ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो कई सारी ऐसी एप्स होती हैं या फिर कई सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वहां पे लोग आपको फॉलो करेंगे, आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतना पैसे कमा सकते हैं ब्लॉग राइटिंग में। और कंपनीज भी और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी ब्लॉग्स का इस्तेमाल करती हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में ब्लॉग का इस्तेमाल करती हैं, अपनी कंपनी के बारे में ब्लॉग्स राइटिंग लिखवाती है ना, पैसे देकर भी अपने बारे में कंपनियां लिखवाती हैं ना। जो ब्लॉग राइटर होते हैं जो ब्लॉगर होते हैं वो पैसे लेते हैं कंपनी से, कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा अपने ब्लॉग में लिखते हैं और उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब देखिए, अगला है डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन एक टाइप का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को कैप्चर और मेंटेन करते हैं, यानी उसका एक पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वाली वीडियो में मिनट्स के बारे में पढ़ाया था, तो मिनट्स का एक टाइप का डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिपोर्ट हो गई, लेटर हो गई, ये सब क्या एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। मतलब इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखा जाता है ना, जो भी डाटा मीटिंग चल रही है जो भी बातचीत हो रही है वो सबको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, तो इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, है ना। और देखिए, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है या तो ये प्रिंटेड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। यानी जो आपने डाटाबेस सुना होगा, डाटाबेस में सारा डाटा स्टोर करके रखा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और प्रिंटेड भी होता है। कई सारी बड़ी बड़ी फाइलें होती है ना, रिपोर्ट आपने देखा होगा, वो बड़ी बड़ी फाइलों में स्टोर करके रखा जाता है सारा। लेकिन अब तो सब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया ना, अब सब कोई भी बड़ी बड़ी फाइल्स को स्टोर करके नहीं रखता, मेनली जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है सिर्फ उन्हीं को प्रिंटेड फॉर्म में रखा जाता है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की होती है डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आ सकता है, रिपोर्ट, मीमोज, ईमेल्स, मीटिंग मिनट्स,
है ना, और ये सारी बाकी की जो फोन रिकॉर्डिंग होती है या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये सब चीजों को डॉक्यूमेंटेशन में रखा जाता है। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए डिटरमाइन गोल स्कोप एंड टारगेट ऑडियंस। अब देखिए आप किसी भी चीज का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है ना। मान लीजिए कोई मीटिंग हुई है, अब आपने उसको डॉक्यूमेंट मतलब मिनट बनाया और उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, तो अब आपने उसका डॉक्यूमेंटेशन क्यों करा? क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। तो अगर नॉर्मल एम्प्लॉयज होता वो आपस में बातचीत करता तो उसका मिनट नहीं बनाया जाता, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया जाता है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है ताकि आगे भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके, चाहे वो लीगल पर्पस के लिए ही हो, है ना, या और भी कई सारे पर्पस हो सकते हैं, या फिर मतलब जो आगे कोई अगर नया एम्प्लॉय आया उसको समझाने के लिए कि पहले क्या डिसीजन लिया गया, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करिए कि हम जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसका गोल क्या है ना। फ्यूचर पर्पस के लिए हो सकता है, लीगल पर्पस के लिए भी हो सकता है ना। अगला स्टेप होता है कंडक्ट एंड एक्सटेंसिव रिसर्च। अब देखिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो उसके लिए आपको डाटा भी तो चाहिए है ना। तो डाटा कहाँ से मिलेगा? जब आप रिसर्च करेंगे तो आप रिसर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर जाके डाटा कलेक्ट करके आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। और देखिए जहां से भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना तो आपको उसका भी रिकॉर्ड रखना है ना रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपको रेफरेंस देना होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने कलेक्ट करा है मैंने यहाँ यहाँ से सोर्स से कराया ना, रेफरेंस देना जरूरी है। जो बिब्लियोग्राफी होती है वो देना जरूरी होता है। अगला स्टेप होता है डेवलप एंड आउटलाइन। अब देखिए आउटलाइन क्या होती है कि सबसे पहले आप क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना है सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करें किसी भी चीज का उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, है ना। तो मतलब उसका पूरा एक आउटलाइन बना लेंगे कि मुझे कब कब क्या क्या चीजें लिखनी है। तो ये मैंने आपको सबको बताया जैसे कि मिनट बनेगा, रिपोर्ट बनेगा, लेटर बनेगा, है ना, सब उस टाइम आपको कौन सी चीज कब लिखनी है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है ना। तो वैसे ही इसका डॉक्यूमेंटेशन का भी एक आउटलाइन होता है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये डाटा पहले लिखना है, फिर ये डाटा लिखना है, फिर ये डाटा लिखना है, तो उसका पहले ही पूरा एक आउटलाइन बना लीजिए। फिर अगला स्टेप होता है राइट कंसिसली एंड क्लियरली। यानी अब देखिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है तो आपको उसके बारे में लिखना भी तो पड़ेगा, तो जो आप लिखेंगे ना तो बिल्कुल आपको क्लियर शब्दों में लिखना है, उसका मतलब अच्छे से समझ आना चाहिए। आपको ज्यादा फालतू वर्ड्स नहीं लिखने हैं ना, जितना जरूरी वर्ड्स है जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वही ऐड करनी है। अब अगला टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजमेंट एंड इनविटेशंस। अब देखिए जब भी कोई कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो उसमें कई सारे स्लोगन्स देती है ना, कई सारे मतलब लाइनें लिखती है, तो वहां पे भी आपको अपनी राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो काफी ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट होता है, क्योंकि इसी की वजह से मार्केटिंग हो पाती है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होगी जब भी मार्केटिंग होगी, जब भी कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, जब भी कंपनी की ग्रोथ होगी। और आज के टाइम पे शायद ही ऐसा कोई बिजनेस या ऐसी कोई कंपनी होगी जो एडवर्टाइजमेंट ना करती हो। एडवर्टाइजमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि जो पूरी की पूरी जो कंपनी है ना वो पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही टिकी होती है। जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा ना, जितना मतलब लोगों को वो आकर्षित कर पाएगा उतनी कंपनी की ग्रोथ होगी। अब देखिए अगर आपको एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग करनी है तो उसके कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी ऑडियंस को जानना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को जानना पड़ेगा। मान लीजिए आप क्या बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी, है ना, मतलब जो अडल्ट होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी, क्योंकि बच्चे तो साबुन खरीदेंगे नहीं, बड़े लोग ही खरीदते हैं ना अपने घर परिवार के लिए। तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी, जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर की ऑडियंस है, है ना। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को देखिए, वो प्रोडक्ट किस ऑडियंस के लिए, उसको समझिए। फिर अगली टिप्स है बी क्लियर विद द गोल्स। अब देखिए आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को जान लिया, अब आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको कितनी मतलब कितनी ऑडियंस तक आपको ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है। अब देखिए मान लीजिए अगर आपको साबुन बेचना है, साबुन कौन खरीदेगा, जो घर परिवार वाले लोग होते हैं, गृहस्थी के जो लोग होते हैं, यानी जो बड़े लोग होते हैं जैसे कि मम्मी पापा। अब देखिए अब अपना गोल सेट करिए, अब वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। अब जो पेरेंट्स होते हैं अब वो कहाँ पर होते हैं, ज्यादातर फेसबुक पर होते हैं, है ना। तो फेसबुक क्या है, वहां पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे करेंगे वहां पे तो वो होंगे नहीं आपके पेरेंट्स, है ना। वहां पे जहां तक जो यंगर बच्चे होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो जहां तक फेसबुक वगैरह पर होते हैं या फिर टीवी पर होते हैं। तो ऐसे में आपने अपना गोल देख लिया, अपना गोल डिसाइड कर लिया कि हमें जो एडवर्टाइजमेंट करनी है टीवी पे करनी है और फेसबुक वगैरह पे करनी है। फिर अगली टिप है क्रिएट अ पावरफुल वैल्यू प्रपोजिशन।
अब देखिए, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके बीच में आपको अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी होगी, है ना। आपका वैल्यू बाकी सबसे, मतलब जो आपका जो प्रोडक्ट है बाकी सबसे बेहतर क्यों है उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए आप कोई साबुन बेच रहे हैं, अब आपका साबुन बाकी का सबके साबुन से बेहतर क्यों है वो आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को। आप बता सकते हैं कि इसके अंदर विटामिन सी है, आप इस नहाएंगे तो आपका निखार आएगा, है ना। मतलब ये सब चीजें जो क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की वो उसको बताना पड़ेगा, है ना। तो उसके अपने प्रोडक्ट के पावरफुल वैल्यू को क्रिएट आपको करना पड़ेगा। फिर अगला काम होता है डेवलप एंगेजिंग कंटेंट। अब देखिए, अब आपने अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर ली, अब आपको एक कंटेंट बनाना है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, है ना, एंगेज करे। तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्टर बनवा सकते हैं, है ना, टेलीविजन पे ऐड चलवा सकते हैं, या फिर जो तो फेसबुक वगैरह है जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहाँ पर है, तो फिर वहां पे अपनी एड्स चलवाइए, यूट्यूब पे अपनी एड्स चलवाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। फिर आपको ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। अपने एड में ग्राफिक्स का इस्तेमाल कीजिए, है ना। विजुअलाइजेशन का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, है ना। जितना विजुअल्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना, लोग इमेजेस वगैरह कम देखते हैं, लेकिन कोई वीडियो चलवा देंगे, है ना, कोई एड बनवा देंगे बिल्कुल अच्छा सा, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और देखिए, आप CTA का मेंशन कर सकते हैं। CTA मतलब होता है कॉल टू एक्शन। अब देखिए, कॉल टू एक्शन मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो जनता को अपनी तरफ तुरंत खींचते हैं, जैसे कि बाय नाउ, है ना, सब्सक्राइब टूडे, विजिट सून, है ना। जैसे कि मैं भी अपनी कुछ वीडियो में क्या डाल देता हूँ, वॉच नाउ, है ना। वॉच नाउ, इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो ऐसे आपको क्या डालना है, कॉल टू एक्शन डाल देना है, जिसे शॉर्ट में CTA भी बोलते हैं। और अगला काम होता है एडवर्टाइज एज पर अ चैनल। तो देखिए, आप फिजिकल एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। फिजिकल में क्या आ जाएगा, बैनर, न्यूज़पेपर पर छपवा सकते हैं, मैगजीन वगैरह और पैम्फलेट छपवा सकते हैं। और अगर डिजिटल करवानी है तो आप रेडियो पे प्रसारण करवा सकते हैं, टीवी पे एड्स चलवा सकते हैं और सोशल मीडिया पे एड्स चलवा सकते हैं। अब अगला है इनविटेशन। अब देखिए, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुतों को इनविटेशन भेजना होता है, और उसमें भी आपको अपनी राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो जो इनविटेशन होता है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सिचुएशन या कोई भी ओकेजन पर, है ना। आपके जो भी आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करेंगे ना, किसी भी कंपनी वगैरह में काम करेंगे, तो वहां पे रोज ना रोज कोई ना कोई ओकेजन आ सकता है। किसी का बर्थडे आ सकता है, या कोई सिल्वर जुबली हो सकती है, गोल्डन जुबली हो सकती है कंपनी की, है ना। मतलब 100 साल पूरे हो गए किसी कंपनी को, है ना। ऐसे कई सारे मतलब ओकेजन्स आते हैं, तो वहां पे आपको इन्विटेशंस भेजने होते हैं। तो इन्विटेशन भेजने से पहले आपको इन्विटेशन बनाना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अब देखिए, जो इन्विटेशन होता है उसका कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, कि मतलब एक फॉर्मेट नहीं होता कि आपने मतलब कोई फॉर्मेट फॉलो करना है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मतलब मेंशन करनी जरूरी होती है। तो देखिए, जैसे कि सेंडर का नाम, कि मतलब भेज कौन रहा है। आपके पास इन्विटेशन आया, अब उसमें आपको पता ही नहीं कि भेजा किसने, है ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इन्विटेशन में आपको सेंडर का नाम लिखना होता है, फिर आपको एड्रेस डालना पड़ता है, फिर रिसिपिएंट का नाम लिखना होता है, मतलब जिसको आपने भेजा है ना, और फिर डेट ऑफ इनविटेशन, मतलब जब आप सामने वाले को बुला रहे हैं तो किस तारीख को बुला रहे हैं, शेड्यूल, वेन्यू, किस जगह पे आना है ना, कब आना है, वो सब चीजें, है ना, इवेंट क्या है, कौन सा इवेंट हो रहा है ना, इवेंट का नाम लिखना पड़ेगा कि भाई बर्थडे है, सिल्वर जुबली है, या 100 साल पूरे हो गए, क्या है, मतलब इवेंट क्या है, वो आपको उसके बारे में लिख देना है। और आप चाहें तो कोई इमेज या पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीजें तो हर इनविटेशन में ऐड करनी होती है। अब देखिए, इनविटेशन भी दो टाइप का होता है, और मैंने आपको एग्जांपल की यहाँ भी लगाया हुआ है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि स्टूडेंट काउंसिल है, इन्होंने मतलब कोई प्रोफेसर को इन्वाइट करना है, तो ऐसा पूरा आप बना सकते हैं ना इन्विटेशन, जैसे कि आप इसको पढ़ सकते हैं ना। और एक लेटर के फॉर्मेट भी होता है, आपको जो दूसरा वाला जो इन्विटेशन दिख रहा है, ये लेटर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अपने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, फिर जिसको बुलाना है उसके बारे में लिख दिया, है ना, फिर सल्यूटेशन लिख दिया, है ना, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर बॉडी लिख दी, और फिर एंड में अपना नाम वगैरह लिख दिया। अब देखिए, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको इन्विटेशन जो बनाना है वो किस टाइप से बनाना है ना। अगर आपको एक किसी एक खास व्यक्ति को बुलाना है, जैसे कि इसमें प्रोफेसर को बुलाया जा रहा था ना पहले वाले में, तो एक खास व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, तो आप ऐसा बना देंगे पूरा, है ना, मतलब लाइन टू लाइन लिख देंगे। और अगर मतलब पूरे फैमिली को बुलाना है ना, एक से ज्यादा लोगों को बुलाना है, तो आप ऐसे लेटर के टाइप में इन्विटेशन बना सकते हैं। और देखिए, अगला है कैनवा। आपने कैनवा का ऐप का नाम तो सुना ही होगा, है ना। इसका यूज पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है ना। तो जो काफी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो इस ऐप का इस्तेमाल करती हैं,
तो ये जो ऐप है ना 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, इसका गोल क्या था कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही कोई भी डिजाइन बना सके, है ना, घर बैठे ही, जिसमें आप कोई भी ग्राफिक डिजाइन बना सकते हैं ना, कोई भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मनचाहे लोगो बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी इस ऐप का इस्तेमाल किया था अपने चैनल का लोगो बनाने के लिए। और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, तो काफी कंपनी इसका इस्तेमाल करती है अपना बैनर वगैरह बनाने के लिए। अब हम आखिरी में देखेंगे जॉब लेटर और सीवी कैसे बनाया जाता है ना, जॉब लेटर का फॉर्मेट देखेंगे और सीवी में आपको क्या क्या लिखना होता है वो सब चीजें देखेंगे। और देखिए आपको ना पूरा फॉर्मेट रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है। आपको पेपर में लिखने को आ सकता है, बनाने को आ सकता है सीवी और जॉब लेटर। तो देखिए सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, है ना, पिन कोड वगैरह, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और डेट। फिर आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं ना, एम्प्लॉयर का नाम, जैसे कि मैनेजर का नाम आ गया, कंपनी का नाम आ गया, कंपनी का एड्रेस, उसका पिन कोड, फिर डीएसआर सर लिख सकते हैं आप, है ना, या फिर उसका नाम भी लिख सकते हैं मैनेजर का। तो देखिए डीएसआर सर से पहले आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लेटर टू द जॉब करके, है ना, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए वो आप सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। फिर आपको अपनी बॉडी स्टार्ट कर देनी है ना, सेम ऐसी लाइन आप लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द जॉब टाइटल। जॉब टाइटल में आपको जॉब के बारे में डालना है ना, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, एज मतलब इन द टीचर, मतलब कोई टीचर की पोस्ट खाली है, कोई मैनेजर की पोस्ट खाली है ना, तो आपको जॉब का टाइटल डाल देना है। फिर कंपनी का नाम डाल देना है ना। फिर आपको ये बताना है कि आपने ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखी, कौन से न्यूज़पेपर में देखी, तो उस न्यूज़पेपर का आप नाम डाल सकते हैं। फिर आपने कहीं पर पहले काम कर चुके हैं उसके बारे में बता दीजिए, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके बारे में बता दीजिए कि आपने कहाँ काम करा है ना, अपने बारे में जितना हो सके उतना इंट्रोडक्शन आप पहले पैराग्राफ में दे सकते हैं। अब देखिए पहले पैराग्राफ में तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आपको बॉडी लिखनी है, तो बॉडी में जो आप पहला पैराग्राफ लिखेंगे आपको अपना थोड़ा और इंट्रोडक्शन देते हुए अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना है कि मैंने 10th यहाँ से करी, 12th यहाँ से करी, है ना, मैंने DU से वो BA करा, ये सब करा, वो सब अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देंगे। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे, है ना, तब आप कंपनी आपको क्यों लेगी, जब आपके अंदर कोई स्किल्स होगी तो आपको अपनी स्किल्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, वो सब चीजें आपको सेकंड पैराग्राफ में बता देनी है। फिर तीसरे पैराग्राफ में आपको बताना है कनेक्ट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू द कंपनीज नीड। अब कंपनी को आपके अंदर कौन सी खूबियां चाहिए, उस खूबियों को आपको बताना है। जैसे कंपनी को चाहिए कि हमें एक अच्छा राइटर चाहिए, है ना, हमें एक ब्लॉग वगैरह लिखवाने हैं और ना, और वो सब लिखवाने का काम ज्यादा है, तो आप अपनी स्किल्स में लिख देंगे कि मैं बहुत अच्छी राइटिंग कर लेता हूँ ना, मेरी जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उस पर भी पकड़ है, तो उस स्किल्स के बारे में बता देंगे। और फोर्थ पैराग्राफ में और आप एडिशनल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेशन, कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स है, कौन कौन से आपने अवार्ड्स जीते हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको एक क्लोजिंग पैराग्राफ लिखना है ना, जिसमें आपको अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, यानी आपको अपना आभार व्यक्त करना है कि थैंक यू आपने मेरा ये लेटर पढ़ा और मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप मुझे ये जॉब देंगे, है ना, तो ऐसा करके आपको लिख देना है। तो देखिए आप ये लाइन भी मेंशन कर सकते हैं, योर होप फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस योर कैंडिडेंसी फर्दर इन एन इंटरव्यू। मतलब आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको मतलब मेरा ये जो रिज्यूम है ये बढ़िया लगा और मेरे जो स्किल्स वगैरह है वो आपकी कंपनी के साथ मैच कर रही है ना, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच कर रही है, तो आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। फिर आप ये सेम लाइन लिख सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू, फिर कंपनी का नाम, की मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे मौका देंगे इस कंपनी में काम करने के लिए। तो जैसे जैसे लाइन लिखी हुई ना वैसी वैसी आपको वहाँ पे सेम टू सेम लिख कर आ जानी है। फिर आप योर ट्रूली, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, फिर आपको अपना नाम लिख देना है। अब देखिए आप अपना रिज्यूम या सीवी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देंगे, है ना, सीवी की, करिकुलम वेटे, फिर आपको अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, वो सब लिख देना है। फिर आपको अपना करियर का ऑब्जेक्टिव लिखना है ना, जैसे जैसे हेडिंग लिखी ना सेम टू सेम आपको ऐसे लिख कर आना है। तो देखिए मेरी माने तो आप ये जो चार पांच लाइन लिखी हुई ना सेम टू सेम ऐसे इसको रट लीजिए, सेम टू सेम पेपर में लिख कर आ जाइएगा, ठीक है। तो करियर ऑब्जेक्टिव लिखना और ये जो पांच लाइन लिखी उसको एज इट इज लिख लेना है ना, इनको याद करके चले जाना, जैसे कि ग्रोथ ओरिएंटेशन, है ना, पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच कुड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी एंड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस टू माय नॉलेज। तो ये जो सेम लाइन है ना ऐसी आप लिख कर आ सकते हैं। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस बता देनी है, जैसे कि मैं 10th पास हूँ, है ना, 12th पास हूँ और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया है, ये सब चीज आप लिख देंगे। और फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस वो लिख देंगे कि आपने इस कंपनी में इतने महीने तक काम करा है।
आपके अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी मतलब स्किल्स क्या क्या है आपके अंदर, उसके बारे में आपको लिख देना है। जैसे कि आप हॉनेस्ट हैं, पंचुअल हैं, है ना, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके अंदर, आप क्विक लर्निंग एबिलिटी आपके अंदर, आप फ्लेक्सिबल है ना, और आपके आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और आप टीम वर्कर हैं। तो ये सब चीजें आप अपनी क्वालिटी लिख सकते हैं। फिर आपको अपने बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स बता देनी है, जैसे कि मेरे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, है ना, और शादी वगैरह हुई है या नहीं, रिलीजन क्या है, नेशनलिटी क्या है, लैंग्वेज आपको कितनी आती है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। फिर आपको अपनी एक्टिविटी और इंटरेस्ट के बारे में बताना है, जैसे कि आपको आपकी हॉबी के बारे में बताना है कि मुझे लिखना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है। फिर एंड में आपको डिक्लेरेशन दे देना है, जैसे कि ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मी इज ट्रू एंड करेक्ट, यानी मेरे द्वारा जो जितनी भी जानकारी आपको दी गई है वो सब सही है ना, करेक्ट है। फिर एंड में आपको डेट और प्लेस लिख देना है। तो ये पूरा आपका रिज्यूम ऐसे तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो अब आपको दोनों समझ आएगा आपको लेटर और रिज्यूम कैसे लिखना है। और एक और बात, जो रिज्यूम आप बना रहे हैं पूरा डब्बे के अंदर बनेगा, ये आपको खास याद रखना है, ठीक है। बॉक्स बनाना है, पेंसिल्स ले जाइए, पेंसिल और स्केल, वहां पे बॉक्स बनाइए, उसके अंदर आपको सीवी बनाना है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है और आपकी जो ये पूरी बुक है कंप्लीट होती है। अब देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अभी जाइए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।